प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले माल गोदाम के सामने एक अज्ञात शव के पड़े मिलने की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों से पूछताछ जानकारी करने पर मृतक का नाम विजय रायकवार पुत्र मुन्नालाल रायकवार जो सीपरी बाजार से सिंगलपुरा का निवासी है। विजय मजदूरी का काम करता था और शराब का आदि था। गुरुवार की सुबह काम पर जाने का बोलकर घर से निकला था। इसके बाद करीब रात 8 बजे पत्नी हल्का देवी के पास एक दोस्त का फोन आया कि विजय उसके साथ है। इसके बाद शुक्रवार की सुबह तड़के मालगोदाम के पास उसका शव पड़ा मिला। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दो अज्ञात युवक दोपहिया वाहन पर उसे लेकर आए थे और मालगोदाम के पास छोड़कर चले गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। मऊरानीपुर से अवनीश सिंह की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला इसमें अब तक क्या जानकारी? विजय रायकवार जिनकी उम्र करीब 46 वर्ष है, प्रेमनगर के नीचे कॉलोनी में आज इनकी डेड बॉडी थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची और तस्दीक कराया गया तो ये पता चला कि दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठा के यहाँ पे डेड बॉडी लेके आए हैं। उन दोनों लोगों को भी पकड़ लिया गया है जो इनके दोस्त ही है। इनका कहना था कि रात में लोग खाते और नशे में मतलब दारू पी करके सोए थे। जिनकी इनकी इनकी डेथ हो जाने के बाद वो लोग घबरा गए। इनको लगा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई न हो जाए, इस डर के मारे यहाँ पर ले आकर के डेड बॉडी डाल गए हैं। बाकी परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पूरा साक्ष्य संकलन किया जा रहा। अगर कोई अपराध का एंगल पाया जाता है तो परिजनों से तहरीर लेकर के उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।